गोली चलाकर नृशंस हत्या का पर्दाफाश, हत्या करने वाले अज्ञात आरोपी को धर दबोचा। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम तारापुर का मामला। सिरसी थाना क्षेत्र के ग्राम जमडेरा निवासी सुआ लाल पुत्र कमल सिंह अबारेला उम्र 50 साल ग्राम तारापुरा में जमीन बटाई को लेकर उसी जमीन पर बने टपरिया में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, जिस पर बीते दिन की मध्य रात में करीब 1 से 2 बजे के बीच एक मोटरसाइकिल पर कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी टपरिया के बाहर आया और उसने सुआ लाल को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। सुआ लाल के टपरिया से निकलकर रोड पर आते ही अज्ञात व्यक्ति सुआ लाल के सीने में गोली मारकर भाग गया। सीने में गोली लगने से सुआ लाल बारेला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से सिरसी थाने में अपराध क्रमांक 121/21 धारा 302 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा गोली मार कर की गई हत्या के मामले में हत्या का पर्दाफाश करने के लिए FSL अधिकारी SDOP गुना और सिरसी थाना प्रभारी के साथ साइबर टीम को निर्देशित किया गया है। FSL अधिकारी RC हरिवार, SDOP गुना युवराज सिंह चौहान और सिरसी थाना प्रभारी उप निरीक्षक कृपाल सिंह परिहार के द्वारा लाश एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं। मृतक सुआलाल बारेला की पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में गांव की आपसी दुश्मनी रंजिश के बारे में जानकारी जुटाई गई और संदेह के दायरे में आने वाले सभी व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिससे मृतक सुआलाल बारेला खेती के अलावा झाड़ फूक का काम भी करता था। जमडेरा गाँव के ही लालू बारेला की पत्नी नूनीबाई आज से करीबन 1 साल पूर्व खत्म हो गई थी। लालू बारेला को शक था कि सुआलाल बारेला ने कोई जादू टोना या मूठ देकर नूनीबाई को खत्म कर दिया है। लालू बारेला के संबंध में ग्रामवासियों से जानकारी ली गई तो लालू बारेला की आम शोहरत ठीक नहीं होना पाया गया। सब बातों के सामने आने के बाद पुलिस के शक के सुई पर लालू बारेला के पार पहुंचे और वहां पर पुलिस के द्वारा तत्काल लालू उर्फ लाला राम बारेला पुत्र देव सिंह बारेला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या का सारा राज पुलिस के सामने उगल दिया, जिसने बताया कि उसकी पत्नी नूनी बाई को खत्म हो जाने से उसकी चिंता बनी रहती थी, जो सुआलाल बारेला के जादू टोना के कारण ही खत्म हुई थी। इसलिए मौका पाकर उसने सुआलाल की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा आरोपी लालू बारेला को गिरफ्तार कर उससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हाथ की बनी एक नाली भरमार देशी बंदूक जिसे सुआलाल बारेला में गोली चलाई गई थी, इसको भी जब्त किया है। गुना जिले में सिरसी थाना अंतर्गत अभी एक दिवस पहले ही एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर नशंस हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज वारदात थी। सुआलाल बारेला नाम का व्यक्ति, इसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसको गोली मारी गई थी। रात में 1 से 2 बजे के बीच में उसको घर के बाहर आवाज़ दी गई। सुआलाल बाहर आया, बाहर जैसे ही वो निकला तो एक व्यक्ति द्वारा उसको गोली मार के ख़त्म कर दिया गया। स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई थी। इस प्रकार की एक सनसनीखेज वारदात होने पर काफ़ी दहशत की स्थिति थी। पूरी टीम हमारे द्वारा इसमें लगाई गई, SDOP गुना, TI सिरसी, साइबर एक्सपर्ट्स, बाकी अन्य टीम भी हमारे द्वारा इसमें लगाई गई। इन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ मात्र 10 घंटे के अंदर इस नशंस हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ के उससे पूछताछ की गई, उसने अपना गुनाह कबूल किया और हथियार के बारे में भी बताया। इस घटना के पीछे कारण जो है वो इस प्रकार से है कि ये जो आरोपी है लालू उर्फ लाला राम बारेला उसी गांव का निवासी है। इसकी पत्नी एक लगभग 1 साल पहले, 6-8 महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी। किसी कारण से उसने फांसी लगा ली थी। लालू उर्फ लाला राम को यह अंदेशा था कि ये चूँकि झाड़फूक का कार्य करता था मृतक, इसके द्वारा किसी प्रकार से तांत्रिक किया करने के कारण उसकी पत्नी ख़त्म हुई है। इस बात को उसने गांठ बांध के रखी, पंचायत भी हुई, उसमें भी नहीं निपटा और अंततः उसने इस तरह से अपनी वैमनस्यता निकालते हुए गोली मारकर इसको ख़त्म करने का काम किया। उसको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। अभी उसमें उसे PR लेके और बाकी आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। बंदूक इत्यादि भी उसकी पूरी मिल चुकी है, उसमें आगे की पूरी पूछताछ जारी है। इस तरह से कोई भी गंभीर घटना कारित करने वाले गुना जिले में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। शीघ्र हमारी टीम उनके विरुद्ध पूरी तरह से, हर तरह से पीछे लग के कार्रवाई कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसमें जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, विशेष टीम ने, सभी लोगों ने मिलकर, उनको पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है।